बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी हमारा एक पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। देखें, ये एक्स क्यूब्ड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू इंटर ब्रैकेट एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। देखिए, सबसे पहले तो मैं देखूंगा डिग्री। इसकी डिग्री थ्री है, इसकी डिग्री भी टू और इसकी वन थ्री है, तो पहले मैं कॉन्स्टेंट ऐड करूंगा ए, फिर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू, फिर प्लस, अब ये होल स्क्वायर है तो मैं पहले इसको सी अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर और प्लस डी अपॉन एक्स प्लस वन। मैं चाहूँ तो पहले इधर सी अपॉन एक्स प्लस वन फिर प्लस डी अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। अच्छा, अब ये हो जाएगा एक्स क्यूब्ड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन इक्विवेलेंट ए, इसमें आ जाएगा एक ब्रैकेट में आएगा एक्स प्लस टू, दूसरे में आएगा एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस बी। एक्स प्लस टू तो है ही है, इसमें एक्स प्लस टू है, बाकी आ जाएगा एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस सी, इसमें एक्स प्लस वन होल स्क्वायर है, बाकी आएगा एक्स प्लस टू, तो प्लस डी, इसमें एक्स प्लस वन है तो आ जाएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। अभी इसमें क्योंकि कंपेयर कोफिशिएंट मुझे एंड पे करना पड़ेगा तो सिंप्लीफाई करता हूँ, एक्स क्यूब्ड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन इस इक्वल आ जाएगा ए, ये एक्स प्लस टू, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस बी, ये भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस सी, ये आ जाएगा एक्स प्लस टू और प्लस डी, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब्ड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन, तो वही रहेगा इक्विवेलेंट ए। अब ये x इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये आ जाएगा एक्स क्यूब्ड और ये प्लस टू एक्स स्क्वायर ही होगा, प्लस चलो ये आ जाएगा प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस सी इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस टू और प्लस डी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे, ये आ जाएगा एक्स क्यूब्ड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन टोल्ट ए, ये आ जाएगा एक्स क्यूब्ड टू एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, ये बनेंगे प्लस के फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर एक्स प्लस के फाइव एक्स प्लस टू, फिर प्लस बी, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस सी, यह जाएगा एक्स प्लस टू और प्लस डी, यह जाएगा वही एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। अब दो वैल्यू पुटिंग से करेंगे, पुट करेंगे एक्स इज इक्वल कितना, पहले एक्स इज इक्वल माइनस टू पुट करेंगे बी के नीचे, तो बी वाले में रखेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, माइनस टू पुट करें तो यह आ जाता है माइनस एट प्लस फोर, यह आ जाता है प्लस फोर माइनस वन। मैं बी वाले में रखूँगा, इसमें रखूँ तो अभी ठीक है, अगर इसमें रखूँगा तो इजीली हल हो जाएगा, इसमें बी एक्स प्लस वन होल स्क्वायर है, बी है माइनस टू यानी माइनस टू प्लस वन का होल स्क्वायर, ये प्लस फोर प्लस फोर माइनस एट कैंसिल माइनस वन, ये जगह माइनस वन का स्क्वायर वन होगा, वन इज इक्वल माइनस वन इज इक्वल बी के, ये बी की वैल्यू आ गई। फिर मैं पुट करूँगा पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन पुट करूँगा तो ये आ जाएगा माइनस वन और प्लस वन, यह आ जाएगा प्लस टू माइनस वन इज इक्वल टू, अब मैं किस में पुट करूँ देखें, मुझे माइनस वन पुट करना है, इसमें सी में पुट करूँगा तो सी की वैल्यू आ जाएगी, सी आ जाएगा माइनस वन प्लस टू, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल, यह आ जाएगा वन इज इक्वल टू वन सी, यानी सी इज इक्वल टू वन आ गया, हमारा सी वन आ गया, सी मेरा आ गया वन। अच्छा, अब मैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करूंगा, कंपेयरिंग दो बचे हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर करूंगा, एक्स क्यूब का करूंगा तो यह आ जाता है वन, वन इज इक्वल टू ए, वन इज इक्वल ए, फिर एक्स स्क्वायर के करूंगा, एक्स स्क्वायर का कंपेयरिंग कोफिशिएंट करूंगा तो एक्स स्क्वायर का ये वन इज इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर की आ जाएगा फोर ए और प्लस बी और प्लस डी, इसमें वैल्यू पुट करूंगा वन
ए की वैल्यू 1 है तो यह आ जाएगा 4, बी की है -1 प्लस डी तो यह जाएगा 1 इज इक्वल टू 3 प्लस डी, डी इधर चला जाएगा तो यह जाएगा -2 इज इक्वल टू डी के। तो देखिए सारी वैल्यूज मिल गई तो मैं कहूँगा पार्शियल फ्रैक्शन आर ये ए, ए की वैल्यू मेरी कितनी आई है देखें, ए ए की वैल्यू 1, पार्शियल फ्रैक्शन आर लिख रहा हूँ ए की 1 प्लस ये बी अपान एक्स प्लस 2 था, बी अपान एक्स प्लस 2 है, बी की वैल्यू आई है -1 तो यह जाएगा -1 अपान एक्स प्लस 2 और प्लस सी की वैल्यू कितनी आई है 1, 1 अपान सी के नीचे था एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस -2 अपान नीचे यह था एक्स प्लस 1। तो इसको अब सिंप्लीफाई करके लिखेंगे हम, देखिए सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो यह जाएगा 1 -1 अपान एक्स प्लस 2 प्लस 1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और -2 अपान एक्स प्लस 1 आंसर। इसको चेक करना हो तो कैसे करेंगे, चेक करना हो तो x इक्वल 0 इसमें ऊपर वाले में रखें, अगर इसमें x इक्वल 0 रखें 0 प्लस 0 माइनस 0 माइनस 1, माइनस 1 अपान ये आता है 2, माइनस 1 अपान 2 आ रहा है, अगर इसमें आप 0 पुट करें देखें माइनस 1 अपान 2 आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है, एक 0 रखें तो यह आता है माइनस 1 माइनस 1 अपान 2 प्लस 1 अपान 1 माइनस 2 अपान 1 तो यह आता है 1 माइनस 1 अपान 2 प्लस 1 माइनस 2, ये माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल माइनस 1 अपान 2, यानी बिल्कुल हमने चेक करके देखा बिल्कुल सीखे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ चेकिंग को, तो पार्शियल फ्रैक्शन हमारे यही आंसर है।